भारत का जुलाई में पाम ऑयल का आयात एक महीने पहले की तुलना में 10% कम हो गया है। ट्रेड बॉडी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। एसोसिएशन ने बताया है कि रिफाइनर ने केंद्र सरकार के उस फैसले का फायदा उठाने के लिए वैकल्पिक सोया तेल की खरीद बढ़ा दी है, अपने ऑल टाइम हाई कीमतों को कम करने के लिए वेजिटेबल ऑयल के आयात शुल्क में छूट मिल सके। वहीं व्यापारिक संगठनों ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक द्वारा सोया तेल की अधिक खरीदी अमेरिकी सोया तेल की कीमतों का समर्थन करेगी, लेकिन भारतीय खरीद में प्रतिद्वंदी पाम तेल की हिस्सेदारी को भी प्रभावित करेगी और मलेशियाई और इंडोनेशिया विक्रेताओं को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए छूट की पेशकश करने के लिए मजबूर करेगी। वहीं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा है कि जुलाई में भारत का पाम तेल आयात एक महीने पहले के 5,90,921 टन से घटकर 5,30,420 टन रह गया था। जुलाई में सोया तेल का आयात एक महीने पहले की तुलना में 125% बढ़कर रिकॉर्ड 5,19,566 टन हो गया है, जबकि सूरजमुखी तेल का आयात 30% बढ़कर 1,55,300 टन हो चुका है। मई के आखिर में भारत ने स्थानीय खाद्य तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू और अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सोया तेल और सूरजमुखी तेल के 2 मिलियन टन के आयात तक टैक्स में छूट दी थी। वहीं कहा जा रहा था कि पाम तेल पर आयात तेल का प्रीमियम $150 प्रति टन से कम था। चूंकि पाम तेल पर 5.5% आयात कर लगता है, इसलिए भारतीय खरीदारों के लिए पाम तेल प्रभावी रूप से अधिक महंगा था। पिछले कुछ हफ्तों में सोया तेल और पाम तेल के बीच का अंतर $350 प्रति टन से अधिक हो गया है, जिससे रिफाइनर के लिए पाम तेल की खरीद ज्यादा आसान हो गई है। आपको बता दें कि अगस्त में पाम तेल का आयात 7 लाख टन से अधिक हो सकता है ऐसा माना जा रहा है, और कीमतों में सुधार के बाद जुलाई में भारी खरीदारी हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मलेशिया में पाम तेल की कीमतें जुलाई में एक साल से अधिक से निचले स्तर पर आ चुकी हैं। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पाम तेल खरीदता है, जबकि अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन और रूस से सोया तेल और सूरजमुखी तेल का आयात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।